हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और प्रॉब्लम भी बताऊंगा आपको इसमें है क्या। तो पहले स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल NSN मोबाइल टेक में। दोस्तों चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये नोकिया का सेट है दोस्तों। मॉडल दिखा देता हूँ आपको पहले। ये देखिए मॉडल ये 1192 है। और कस्टमर का कहना है कि यह बैटरी, मैं 3-4 बैटरी बदल चुका हूँ लेकिन ये बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं देता है। बैटरी एकदम से ड्रेन कर देता है, बहुत जल्दी बैटरी की लाइफ ख़त्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों इसका समस्या क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसके लिए बैटरी कनेक्टर है ये, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है, ये बीच का BSI है और ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक है। और मल्टीमीटर को हम बजर मोड में रखेंगे। तो ये इसका प्रॉब है, एक ब्लैक और रेड प्रॉब है दोस्तों। आपको पहले यहाँ आपको एक प्रॉब को नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में रख के देखेंगे दोस्तों। तो आपको देखिए बता रहा हूँ 130 इसका रीडिंग दे रहा है। अब इस प्रॉब को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में देंगे, क्योंकि क्या बताता है ये देखो, इसमें भी रीडिंग लगभग उतना ही दे रहा है। तो दोनों तरफ चेंज करने पे सेम रीडिंग दे रहा है, बहुत कम, 130 140 समथिंग दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये सेट हाफ शॉट है। अगर बीप बजता, जैसे दोनों तरफ रखने पर अगर इस टाइप के बीप आते तो इसको फुल शॉट बोला जा सकता था। बट ये है कि थोड़ा दोनों साइड हम प्रोब चेंज कर रहे हैं तो दोनों साइड कुछ वैल्यू दिखा रहा है, बहुत कम मात्रा में। तो इसका मतलब ये हाफ शॉट है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको अब खोल के देखते हैं, पहले तो ओपन करते हैं। कभी क्या होता है कि वाटर डैमेज की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। तो चलिए इसको खोलते हैं, इसका एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या वो पता करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, अब कोई वाटर डैमेज तो नहीं है। इसे देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई वाटर डैमेज है, किसी भी एकदम क्लीन है, साफ ही दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वाटर डैमेज है। इसको जब मैंने खोला अभी, इसका जो ऊपर से हटाया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक वाटर डैमेज है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली वो नेटवर्क सेक्शन में ही कुछ प्रॉब्लम कंपोनेंट्स के ख़राब हो जाने के कारण से शॉर्टिंग के प्रॉब्लम ज़्यादातर आते हैं मोस्टली। और ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो कैपेसिटर है पूरी तरह से वाटर डैमेज हो जाता है। इसमें देखिए किस तरह से ये ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको क्लीन करते हैं, इसको फिर चेक करते हैं, फिर एक और बार दिखा देता हूँ आपको रीडिंग, आपको रीडिंग दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये मैं रीडिंग आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, इसका क्या रीडिंग रहता है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बजर मोड पर ले जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है आपको 124 समथिंग। अब प्रॉब चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे वैसे सेम दिखा रहा है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं, जो
यहाँ पे कार्बन जमा हुआ है। ये एक कैपेसिटर है दोस्तों, इसमें कि वाटर डैमेज हो चुका है, ये जो सेक्शन ये वाला, ठीक है। तो चलिए, इस क्लीन करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पेट्रोल का यूज़ करता हूँ। ध्यान देखिए दोस्तों, आप जब भी क्लीन करें तो ये जो माइस है इसके ऊपर कोई भी लिक्विड ना डालें, अदरवाइज माइस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं थोड़ा साइड से, अगर क्लीन करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो वो कैपेसिटर को आप हटा सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादा शॉर्टिंग का प्रॉब्लम कैपेसिटर से ही होता है। और कैपेसिटर से ही होता है ज़्यादा शॉर्टिंग, और दूसरी बात ये कि ये नेटवर्क सेक्शन में ही ज़्यादातर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम रह जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको क्लीन कर दिया है, कैपेसिटर को मैंने क्लीन किया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, क्लीन करने के बाद क्या प्रॉब्लम आता है, क्लीन करने के बाद क्या प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको निकाल देंगे। वही दिखा रहा है, वही दिखा रहा है दोस्तों, सॉल्व नहीं हुआ है। चलिए इसको निकाल देते हैं, तो क्लीन कर निकाल के फिर चेक करते हैं। तो निकालने के लिए मैं दोस्तों, मैंने इसको निकाल दिया, इस कैपेसिटर को निकाल दिया है, तो यहाँ पे था कैपेसिटर, यहाँ पे था, इसको निकाल दिया। चलिए अब देखते हैं, अब चेक करते हैं क्या शॉर्टिंग हमारी हट गई। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है वैल्यू, 3 से 10 9 दिखा रहा है, जो कि ठीक ठाक वैल्यू है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एक साइड से वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, तो 1000 दिखा के 1 हो जाना चाहिए, और दूसरी साइड से ये देखिए। तो दोस्तों देखा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया। डैमेज था कैपेसिटर में, शॉर्टिंग थी, कैपेसिटर डैमेज हो गया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। अब देखिए, कैप्सूल को निकाल दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपके सामने दिखाया दोस्तों मैंने ये। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आपको बहुत हेल्पफुल लगा, तो गाइस इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चाहते हैं फ्यूचर में मोबाइल से रिलेटेड और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।